हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर आज हम आपको लीगल लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक के हवाले से बेशुमार हमारे पास क्वेरीज आती हैं, बेशुमार हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन सबको कवर करते हुए आज हम आपको इस लेक्चर के बारे में बता रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ खुला इज फाइल्स, खुला का किस फाइल कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत से क्वेरीज आती हैं। कि इससे पहले हमारे पास बहुत से वीडियोस मौजूद हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि खुला के रिलेटेड है। खुला क्या होती है, डिवोर्स क्या होती है, मुबारक क्या होती है, म्यूचुअल डिवोर्स क्या होती है, और इससे रिलेटेड और बहुत से वीडियोस मौजूद हैं। और इसके अलावा फैमिली केस कैसे फाइल होता है, इसका प्रोसीजर भी है, स्टेजेस भी है, सब चीज़ें। मगर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि खुला कैसे फाइल होता है, खुला का क्या प्रोसीजर है, हाउ खुला इज फाइल, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग खुला फैमिली कोर्ट ऑफ लॉ, फैमिली कोर्ट में खुला कैसे लिया जा सकता है, ये आज का टॉपिक है। देखिए, खुला इज राइट ऑफ वुमेन। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ इन दी प्रेस्क्राइब लिमिट्स ऑफ अल्लाह नहीं रह सकती, तो उसके लिए वो खुला अप्लाई करती है। तो खुला कैसे हासिल किया जाता है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे पहले आप वकील को एंगेज करेंगे। यू हैव टू एंगेज ए लायर। सबसे पहले आप एक वकील को एंगेज करेंगे, एडवोकेट को एंगेज करेंगे। आप वकील को एंगेज करें, और उसके बाद वकील को एंगेज करने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा। डॉक्यूमेंट्स देखिए जो ज़रूरत पड़ते हैं खुला के लिए, वो है निकाहनामा है। निकाहनामा के अलावा आपका NIC है, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर है। अगर आपका NIC पे एड्रेस डिफरेंस है जहां आप रहते हैं, तो फिर उसके लिए उस एड्रेस के प्रूफ के लिए बिजली का इलेक्ट्रिक बिल चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है। सबसे पहले आप वकील एंगेज करेंगे, ये आप डॉक्यूमेंट दें। डॉक्यूमेंट इसमें निकाहनामा है, अगर बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो होगा, और इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड NIC की कॉपी, और इसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर और बिजली का बिल, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप ये एडवोकेट को देंगे। एडवोकेट आपसे डिटेल लेगा। डिटेल ये है कि आप क्यों खुला लेना चाहती हैं, उसकी क्या रीजन्स है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ, खुला लेने की रीज़न तो ज़रूर होती है, मगर इन रीज़न को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको सबको केस ड्राफ्ट करना है, लिखना है, तो उसमें ये डेट चीज़ें लिखी जाएंगी। आप रीजन्स बताएंगे कि ये रीजन्स है, इसकी बेस पर हम खुला लेना चाह रहे हैं, तो रीज़न दी जाएंगी, और रीज़न जो है रीज़न के साथ पूरी एड्रेस दिया जाएगा, दोनों पार्टियों का एड्रेस होगा, रीजन्स होगी, और डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, तो एक केस ड्राफ्ट किया जाएगा। केस ड्राफ्ट केस का कोई परफॉर्मर नहीं होता, हर एक की अपनी नौयत होती है, हर एक केस के अलग स्टेजेस, हर एक के अपने रीजंस होते हैं, तो हर एक का उस डिमांड के मुताबिक केस ड्राफ्ट किया जाता है, ये याद रखें। तो केस ड्राफ्ट किया जाएगा, केस कैसे ड्राफ्ट होगा ये आप डिटेल देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो केस ड्राफ्ट होगा। जब केस ड्राफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको एडवोकेट टाइम देगा कोर्ट में अपेयर होने का, फॉर अपेयरेंस, फॉर फाइलिंग द केस। केस फाइल करने के लिए आपको कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा, जहाँ आपका केस जिस कोर्ट में फाइल होगा उस कोर्ट में उस टाइम के मुताबिक आप अपेयर होंगे, जज के सामने अपेयर होना पड़ेगा। जज वेरीफाई करेंगे कि बाकी आप मौजूद हैं, आपका ओरिजिनल NIC और डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, और उसके बाद कि आप यहाँ कोर्ट में क्या आए हैं, किस लिए आए हैं। तो ये दो चार क्वेश्चन जो फॉर्मली क्वेश्चन होते हैं केस फाइल करने के लिए, वो जज आपसे पूछेगा, उसके बाद केस फाइल हो जाएगा। जब फेल केस फाइल हो जाएगा, उसके दूसरे तीसरे दिन जो है समन जो है ना वो दूसरी पार्टी को चला जाएगा। फाइल होने के बाद उस केस का नंबर लगेगा, डायरी लिखी जाएगी, और उसके बाद आप उसकी कॉपी देंगे, और कॉस्ट आपका वकील कॉस्ट पे करेगा, तो दूसरे तीसरे दिन नोटिस दूसरी पार्टी को चला जाएगा। जब नोटिस चला जाएगा तो कोर्ट उसको जवाब के लिए टाइम देगी कि आप अपना जवाब फाइल करें। अगर वो जवाब फाइल कर देते हैं तो कोर्ट पर रिकन्सिलेशन हैंड करती है, दोनों पार्टियों को बिठा के सुलह सफाई की बात करती है। अगर रिकन्सिलेशन सुलह हो जाती है तो फिर खुला ख़त्म हो जाएगा। रिकन्सिलेशन फेल अगर हो जाती है, अगर फेल हो जाती है, अगर रिकन्सिलेशन कामयाब हो जाती है तो साहब जरे मियाँ बीवी घर चले जाएंगे। अगर रिकन्सिलेशन कामयाब नहीं होती, वाइफ कहती है नहीं मुझे तो खुला चाहिए, मैं ऐसे बात भी नहीं करना चाहती, तो उसको किसी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो प्री ट्रायल है, प्री ट्रायल पर रिकन्सिलेशन पर ही खुला कोर्ट ग्रांट कर देगी।
पहली बात, चाहे उसमें हस्बैंड चाहे या ना चाहे, एक तो सूरत ये हो गया। दूसरी सूरत ये कि अगर हस्बैंड नहीं आता तो, अगर हस्बैंड नहीं आता तो फिर एक तरफा फैसला होगा, एक तरफा फैसला के लिए एक्सपर्टी के लिए केस जाएगा, एक्सपर्टी एफिडेविट दिया जाएगा और उससे पहले पब्लिकेशन होगी, हस्बैंड अगर आता है नहीं आता पेस्टिंग होगी तो पब्लिकेशन होगी अखबार में, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो फिर एक तरफा फैसला होगा, एक तरफा स्टेटमेंट लिया जाएगा और खुला ग्रांट हो जाएगी। ये खुला ग्रांट का तरीका। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, जैसे आमूमी तौर पर इसमें टाइम 3-4 महीने लग जाते हैं और इसमें जल्दी भी हो सकता है और इसमें डिले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लास्ट में टाइम दिया गया वो 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर ये केस डिसाइड हो जाए। वैसे टाइम 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं लगता, जल्दी भी हो सकता है और इससे लेट भी हो सकता है। तो ये एक तरीक़ेकार है कि खुला कैसे लिया जाता। इन शॉर्ट फिर आपको बता दूँ, आप सबसे पहले वकील एंगेज करेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा और उसके बाद केस ड्राफ्ट होगा, फिर कोर्ट में फाइल होगा, फाइल होने के बाद नोटिस जाएगा और रिकन्सिलेशन होगी या एक तरफा फैसला होगा। अब अपेयरेंस कितनी दफ़ा होगी पार्टी को, आपको सिर्फ 2 मरतबा अपेयरेंस होना पड़ेगा, एक जब आपकी केस फाइल होगा और एक उसके बाद जब रिकन्सिलेशन होती है, या फिर रिकन्सिलेशन की बजाय आपका एक तरफा भी स्टेटमेंट होता है, तो 2 सूरतों में 2 दफ़ा कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा, एक शुरू में और एक एंड में अपेयर होना पड़ेगा और इसके बाद खुला ग्रांट हो जाएगा। ये तरीक़ेकार है खुला फाइल करने का। आई होप आपको पूरी समझ आ गई होगी। कल तक इजाज़त दीजिए एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।